नमस्कार। आज से हम अपना सीजन टू शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के बचाव के लिए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आजकल चारों तरफ ये सुनने में आ रहा है कि प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो ऐसी ही आपदाओं से जूझना पड़ेगा, अर्थात सारा ब्लेम प्रकृति पर डाल दिया जाए। इंसान जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होता गया, वैसे वैसे उसकी जीवन शैली भी परिवर्तित होती गई। विकास के इस दौर में वह मोहित और सम्मोहित होकर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। वह कहाँ जाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, इन बातों से बेख्यवर निरंतर बढ़ता जा रहा है और ऐसा बढ़ता जा रहा है कि ट्रैफिक की रेडलाइट पर भी रुकने का उसके पास समय नहीं है, जिस कारण ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हो रहा है और इंसान की सांसें जीवन मृत्यु के खेल में अटकती जा रही हैं। आखिर ये प्रकृति क्या चीज़ है? सामान्य रूप से प्रकृति का अर्थ दो रूपों में प्रयुक्त होता है, एक नेचर जो हमारे आसपास का वातावरण है तथा दूसरा जो मानव का स्वभाव है। प्रकृति को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे जड़, अव्यक्त, प्रधान, अविद्या, प्रसपधर्मिणी, अक्षर, ब्रह्मा, शक्ति आदि। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अर्थात इसमें 3 गुण हैं, सत, रज व तम। इन 3 गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, लेकिन ये 3 गुण उसमें प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इंद्रियों के द्वारा इन गुणों का प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है। गुणों का ज्ञान इनके कार्यों के आधार पर अनुभव से प्राप्त होता है। संसार के सभी विषय सुख दुख या उदासीनता उत्पन्न करते हैं। एक ही वस्तु में किसी को सुख प्राप्त होता है तो किसी को दुख मिलता है या अन्य कोई उदासीन रहता है। प्रकृति के अलावा प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुओं में भी ये 3 गुण होते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति किसी ईश्वर की रचना नहीं, बल्कि पुरुष के संयोग से प्रकृति का परिणाम है। पुरुष के प्रकृति के समीप आने पर प्रकृति के गुणों में विरूपता आ जाती है और विकास की क्रिया आरंभ होती है। प्रकृति पुरुष के मिलने पर महत बुद्धि पैदा होती है, बुद्धि से अहंकार पैदा होता है। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं, जबकि तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं तथा 5 महाभूत पैदा होते हैं। इस प्रकार विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है। विकास प्रक्रिया प्रकृति से शुरू होकर महाभूत तक जाती है और ये 5 महाभूत तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।